हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम परचेज वाउचर में फिक्स्ड एसेट की एंट्री करना सीखेंगे। जी दोस्तों, फिक्स्ड एसेट की एंट्री करना हमने पहले टैली ईआरपी 9 में भी बताया है, लेकिन परचेज वाउचर में हम टैली प्राइम में देखेंगे कि कैसे हम फिक्स्ड एसेट की एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाउचर में, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए हमको यहाँ से वी प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पर परचेज वाउचर में मैं आ चुका हूँ। आपको परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस करना है। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा। अब एक चीज आपको दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ पर क्रेडिट शो हो रहा है। आमतौर पर यहाँ क्रेडिट शो होता नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ H प्रेस किया तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मोड खुल जाएगा। आपको यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड में आप होंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको वाउचर मोड में आ जाना है। ये जो वाउचर है ना, यहाँ पर आ जाइए आप, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट शो होने लगेगा। अब एक हमारी पार्टी है, क्रिएटर पार्टी, और इनसे हम माल परचेस कर रहे हैं। तो यहां पर 8000 रुपए का माल हमने परचेस किया कुल मिलाकर के, ठीक है। न्यू रेफरेंस रखेंगे, यहां पे एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आ रहा है एसजीएसटी, नहीं हमें एसजीएसटी नहीं चाहिए, हमें कोई फिक्स्ड एसेट चाहिए। जैसे हम फर्नीचर ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, फिक्स्ड एसेट के तौर पर लेता हूं यहां पे डेस्कटॉप। एंटर प्रेस किया, यहां पर रखेंगे फिक्स्ड एसेट। एफ प्रेस करेंगे, फिक्स्ड एसेट में से डाल देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, यहां पे सेट ऑल्ट और जीएसटी डिटेल करेंगे। और ये है डेस्कटॉप, तो यहां लिख देता हूं डेस्कटॉप और एंटर एक बार प्रेस करूंगा, फिर यहां पर एंटर प्रेस करूंगा। यहां पर जो भी आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो वो चूज कर लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो है नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो इंटरेस्ट रेट हम चूज करेंगे, इंटरेस्ट परचेज, ठीक है, टैक्सेबल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पर कैपिटल गुड्स है ये, तो यहाँ पे ये कर दिया हमने, इंटरेस्ट रेट रख लिया। अगर आपका जो भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो वो रख सकते हैं। यहाँ पे 28% हमने लगा दिया जीएसटी, ठीक है। एंटर प्रेस किया, और ये सर्विसेज नहीं है, ये गुड्स है। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो आप देख रहे हैं कि 8000 रुपए का हमने डेस्कटॉप खरीदा है, लेकिन इस 8000 में जो 6000 रुपए है ये डेस्कटॉप के लिए दिए हमने, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है एसजीएसटी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आईजीएसटी का भी लेजर बना लेता हूं। तो ये आईजीएसटी कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और ये जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, डी प्रेस किया तो यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी आ जाएगा। तो यहां पे एंटर प्रेस करेंगे और ये है जीएसटी, ठीक है, और ये है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर नॉर्मल राउंडिंग रख करके और यहां 3 कर देंगे, एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं ये 2000 रुपए आईजीएसटी आ रहा है, लेकिन हमको एडजस्ट करना है। देखिए कुल मिला के 8000 रुपए है, 6000 रुपए का हमने खरीद लिया डेस्कटॉप, ठीक है। अब जो आईजीएसटी है वो लगेगा, ठीक है, सिर्फ आईजीएसटी ही लगता है, उसके बाद कुछ नहीं लगता। तो यहां पर आ गए और यहां पे इसको नो करके और इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम फिक्स्ड एसेट वाली एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखना हो तो दो बार डी प्रेस कीजिए और यहां पर सबसे नीचे आ जाइए, यही वो आपकी एंट्री है 8000 रुपए वाली, ठीक है। इसको प्रिंट करना है, अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए, बस ये प्रिंट हो जाएगा। यहां से इसे सेव कर लेता हूं किसी भी नाम से डेस्कटॉप पे, क्लोज किया और यहां पर जाकर के इसे डबल क्लिक करके ओपन करके आप देख सकते हैं। यहां से आप देख पाएंगे कि ये हमारी कंपनी है राजेश मल्टी स्टोर, और ये हमारे सप्लायर हैं, और इन्होंने डेस्कटॉप दिया है जिस पर डेस्कटॉप की कीमत लिखी हुई है और यहां पे जीएसटी भी लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे काम आसान होगा आपका, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।